बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्वीट डिश बनाएंगे। आज मैं आपको बनाना दिखाऊंगी लब्बे श्री। चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं लब्बे श्री बनाना। लेकिन इससे पहले, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं लब्बे श्री बनाना। सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको बॉयल के लिए रख दिया। हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए मैंने इसे पहले ही बॉयल के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ रहा है। देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 प्याली चीनी, 1 लीटर दूध में हम 1 प्याली चीनी डालेंगे और इस चमचे को चलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा लग ना जाए। फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। देखिए व्यूअर्स, मैंने पानी में घोल लिया था। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते रहेंगे। थोड़ी देर हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने इसे 5 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं लब्बे श्री का दूध कितना थिक हो गया है। आपको भी इतना थिक रखना है। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें चूल्हा बंद करने के बाद डालेंगे बेक पार्लर सेवइयां। हमने 1/2 प्याली सेवइयां ले ली थी, आप देख सकते हैं, और उसको मैंने बॉयल कर लिया था और हमने इसमें सेवइयां डाल दी। अब हम इसमें चमचा चलाएंगे और फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए इस दूध को रख देंगे। अब वो दूध पर डिपेंड करता है कि वो कितने टेम्परेचर और कितनी देर में ठंडा हो, लेकिन हम इसको फुल ठंडा कर लेंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर पर, हम इसको फ्रीज में नहीं रखेंगे। देखिए व्यूअर्स, दूध हमारा ठंडा हो गया है और मैंने एक बाउल में निकाल लिया था जिसमें हम सर्व करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम जो मैंने अच्छी तरह बीट कर ली थी और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम खोया। खोया डालने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे रसगुल्ले, छोटे वाले रसगुल्ले आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। आप इसमें बड़े रसगुल्ले नहीं डाल सकते, इस साइज़ के रसगुल्ले डालेंगे, कलर वाइज जो होते हैं। ये रसगुल्ले हर जगह अवेलेबल होते हैं, आपको मिल जाएंगे। इस साइज़ के रसगुल्ले डालेंगे, कलर वाइज जो होते हैं। ये रसगुल्ले हर जगह अवेलेबल होते हैं, आपको मिल जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे पिस्ते। जो हमने हल्की हल्की काट ली थी, हम इस पिस्तों को ज़्यादा चॉप नहीं करेंगे। फिर हम इसके ऊपर रखेंगे बादाम।
देखिए व्यूवर्स, ये कितनी अच्छी लग रही है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। देखिए व्यूवर्स, ये कितनी अच्छी और डिलीशियस लग रही है, वाओ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। देखिए व्यूवर्स,